1000 रुपए की घोषणा उन्होंने की। उसके बाद मैंने अपने विभाग से कैबिनेट नोट बनाकर भिजवा दिया। वित्त विभाग में मामला मुख्यमंत्री जी के यहाँ रुक गया। जो सार्वजनिक घोषणा हुई मुख्यमंत्री के द्वारा, उस घोषणा का भी पालन ये नहीं कर सके, तो लगता है कि शायद यही कारण है कि सरकार का खजाना दीवाना हो गया, दिवालिया हो गया, और जो खर्च होते हैं वे अनुचित जगह पर होते हैं, प्रचार पर होते हैं, पोस्टर होर्डिंग लगाने पर होते हैं, देश विदेश की यात्रा करने पर होते हैं, अगर जो यहाँ का अल्प वेतन भोगी समूह है उन पर नहीं होते हैं। इसी तरह से मुझे मिले थे लोग, स्लैक फीकर एसोसिएशन है, उनकी परेशानी है। अब तो कंपनी अपने आप ही चुंबक बड़ा लगा के सारा लोहा खींच लेती है, बहुत कम लोहा निकलता है, मगर उसमें भी उनके ऊपर जाति करने वाले लोग बैठ गए हैं, तो मैंने उनको भी आश्वस्त किया चुनाव के दौरान। इस तरह से जो अल्प वेतन भोगी समूह है वह ठेला कुमचा वाले हैं, जिनको मैं जब तक रहा विधायक जमशेदपुर पश्चिम में, मैंने कभी शहर सड़कों से को विस्थापित नहीं होने दिया, एक तरतीब से लगाएं। इसके अलावा कभी हटे नहीं, कोई घर टूटा नहीं। आज कोई राम जन्म अगर देखेगा तो देखेगा कितना विकसित मोहल्ला हो गया है। एक समय सरकार और टाटा स्टील मिल कर इसको तोड़ना चाह रहे थे, कुमरू बस्ती टूटा नहीं, कहीं टूटा नहीं। तो आज मैं कह सकता हूँ कि बड़ा समूह है यहाँ अल्प वेतन भोगियों का, और अल्प आय पर किनारे रख दिया। ये 7 तारीख के बाद ये शुरू होगा, और ये शुरू होगा तो पंकज जी तो इन्होंने PIL फाइल किया है, वकील साहब भी आए हैं जो इनका और PIL लड़ते हैं, तो इनका निपटारा कराना, और इनका निपटारा होगा तो किस किस पर जेल जाने का संकट आएगा आज उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। इतनी अनियमितताएँ हुई हैं, इतने भ्रष्टाचार हुए हैं, और मैं भ्रष्टाचार के बारे स्पष्ट रहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि जब हम काम कर रहे हैं सरकार में तो काम करते के समय हमसे गलती हो सकती है, कोई ये नहीं कह सकता है गलती नहीं हो सकती, पर किसी ने बता दिया।